वेलकम ऑल द स्टूडेंट एंड इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए इसमें क्या है, अभी हम ये सीख रहे हैं कि हमें कैसे रीड करना है द हिंदू पेपर को। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला हमारा क्या टॉपिक क्या है। पहला है व्हेन इंडिया ग्रो देन वर्ल्ड ग्रो सेम मोदी। हमारे मोदी जी को बात करने का तरीका, बात करने का आइडिया आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली है। अब देखेंगे इस स्लोगन से आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी बात कह दी, व्हेन इंडिया ग्रो देन वर्ल्ड ग्रो सेम मोदी। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर देखेंगे एड्रेसिंग ए जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस। ठीक है, पीएम स्ट्रेस ऑन ए शेयर्ड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ही आल्सो टच्ड ए ग्लोबल कंसर्न सच एज यूक्रेन एंड इंडो पैसिफिक सिचुएशन। यूक्रेन एंड इंडो पैसिफिक सिचुएशन, अब देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको यूक्रेन की बॉर्डर कंट्री, जो उसकी बाउंड्रिंग कंट्री है, वो आपको पता होना चाहिए। भाई क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनना, देखिए मैं बताऊँ आपको, ये स्लोगन नहीं आपसे पूछा जाएगा पीटी में, यार ये किसने कहा था, ये स्लोगन नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये किसने कहा था ये नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, इसको आप यूज कर सकते हो कहीं जब आप अपना ऐसे टाइप का लिख रहे हो, तो जिसको बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोई ऐसी बात है जिसमें हमारी बात रखने की है। ठीक है, बट इसको पीटी में नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जाएगा आप वो देखेंगे। तो एज है, ये है जीई डील टू ईल्ड फर्स्ट इंजन 3 ईयर, 3 साल में हमारा फर्स्ट इंजन बनेगा। तो ये जो डील हुई है, एक देखिए यहाँ तक एक आउटपुट हमें मिल गया अब तक। ठीक है, ये जो है व्हेन इंडिया ग्रो देन वर्ल्ड ग्रो, ये मोदी ने कहा है। तो शायद यूएस वालों ने सोचा कि ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, जेट इंजन की डील कर लेते हैं आपसे, 80% टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे। कितनी परसेंट टेक्नोलॉजी दे देंगे हम आपको, 80% दे देंगे। ठीक है, और ये जेई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक किसको करेगी, हेल को ट्रांसफर करेगी। चलिए भाई ठीक है, अगली बार सेंटेंस बोलने से हमें अगर ऐसा कुछ मिलता है, हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं अदर कंट्रियों से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आगे हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, यहाँ तक चलते हैं। तो अभी तक हमें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिली जो हमारे लिए है, एक तो ये है डील हो गई हमारी, डील में हमें 80% टेक्नोलॉजी मिलेगी। किसके मामले में, जेनेटिक के मामले में, जेनेटिक सॉरी आपका जेट इंजन के मामले में। ठीक है, और कौन करेगा, जनरल इलेक्ट्रिक करेगी, किसको करेगी, हेल को करेगी। इतना क्लियर हो गया, बस अब आपको देखनी है बॉर्डर कंट्री, ये आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो बॉर्डर कंट्री देखते हैं, देखिए बॉर्डर कंट्री है हमारे पास यूक्रेन। अभी यूक्रेन समझिए, इंडो पैसिफिक मैंने छोड़ दिया, हालांकि पहले आप यूक्रेन समझिएगा। यूक्रेन मैंने क्यों ले लिया, कि भाई ये सीधी सी बात है ना, इसका क्वेश्चन अभी 2023 में आया था, तो पहले तो आप ये समझिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने ये लगा दिया आपका नीचे, ये क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, आप क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, तो देखें क्या है इसमें। क्वेश्चन में है आपका कि ये पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग, बुल्गारिया, रिपब्लिक हंगरी, लातविया, लिथुनिया और रोमानिया, हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन कंट्री शेयर्ड द बॉर्डर विद यूक्रेन। ठीक है, शेयर्ड द बॉर्डर विद यूक्रेन। अब देखिए ये पैटर्न चेंज कर दिया यूपीएससी ने, यानी कि आप ये कहेंगे कि इस बार 48 क्वेश्चन ओनली पेयर, ओनली 1, 2, 3 में पूछे। मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जिसने इसको प्रिडिक्ट किया हो कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप यही बात आ जाती है ना, यूपीएससी कभी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस टाइप से ये अपने क्वेश्चन पूछे। बट हाँ, आपको तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अगर आपको एक दो पता था ना, तो आप 50-50 कर सकते थे इसको कि हाँ यार ये होगा। अब देखिए इसमें क्या है, यूक्रेन की बाउंड्रिंग कंट्री है आपकी कौन कौन सी है, बेलारूस है, ठीक है, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, हंगरी है, मोल्डोवा है, रोमानिया है और रशिया है। यूक्रेन में 7 वर्ड हैं, तो 7 ही हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इतना देखिए यूक्रेन का अभी आया क्यों क्वेश्चन, यहाँ पटअप होता है कि एक्चुअली में यही सर क्यों क्वेश्चन आया, मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि वो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा। हालांकि ये 2022 में पूछना था, पर नहीं, ये पूछा 23 में। तो अब देखेंगे आप इसमें, इसको मैंने यहाँ पे आप न्यूमोनिक से याद कर लो इसको, न्यूमोनिक हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, कारण ये है क्योंकि हमें बहुत सी जब ट्रिक याद करनी होंगी, तो न्यूमोनिक के थ्रू ही हम उसको माइंड में रखेंगे। तो कैसे, अभी गाना आया था बेशरम, ठीक है, तो जिसपे भगवा कपड़े को लेके कहीं उसमें कंट्रोवर्सी रही, तो बेशरम, और ये आप याद रखेंगे इसमें, बेशरम रूपी, यानी कि जो है बेशरम रूपी। अब देखिए B4 क्या हुआ आपका, B4 हुआ बेलारूस, ठीक है, S4 आपका स्लोवेकिया, ठीक है, H4 हंगरी हो गया, R4 आपका हो गया रोमानिया, ठीक है, M4 हो गया आपका माल्डोवा, और R4 हो गया आपका रसिया, और P4 हो गया आपका पोलैंड। तो कुल मिला के ये, इसको आप याद करेंगे कैसे, बेशरम रूपी यूक्रेन। तो अब देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई क्या हुआ कि यूक्रेन और रसिया में जब फाइट हुई, तो ये फाइट किस लिए हुई, फाइट इसलिए हुई भाई उसमें बेशरम रुपए हो गया था, ऐसे मतलब ये सेंटेंस टाइप में बता दिया मैंने। हालांकि इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या सिटी वाला हमको नहीं पढ़ना होता है, फिर हम चलते हैं। पढ़ना होता है अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिया है। अब यहाँ पर है हमारा यूपी गवर्नमेंट एड नेहरू सावरकर शिवाजी एंड स्कूल कॉरिकुलम टू दी स्कूल कॉरिकुलम। तो स्कूल कॉरिकुलम में कौन कौन जोड़े गए, देखिए बी डी सावरकर है ना और शिवाजी। हालांकि ये नहीं पूछेगा कि यार इन सब के नाम नहीं पूछेगा, स्वामी विवेकानंद हैं या फिर मान लीजिए आपके बिरसा मुंडा हैं या फिर आपके मान लीजिए बिरसा मुंडा हैं, इनको भी ऐड किया गया है ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके ये हैं बी डी सावरकर हैं ठीक है, या फिर मराठा किंग है छत्रपति शिवाजी, ये नहीं पूछेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि पहले बनेगा तो इस टाइप से ही बनेगा कि एक्चुअली में ये चीज़ है किस गवर्नमेंट में जोड़े गए। तो ये है आपकी यूपी गवर्नमेंट है ठीक है, कॉरिकुलम में हटाओ इसको, ज़्यादा नहीं है बस इसको माइंड कर लो। अब आ जाते हैं हम इसमें एडिटोरियल में। अब देखते हैं एडिटोरियल में क्या है। स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस हैव अ जस्ट सिविल कोड, मतलब क्या है इसका, एक अच्छा संतुलन बनाए और एक न्यायपूर्ण नागरिक संहिता रखें। अब देखिए प्रेशर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इसको शुरू में ही इसमें पूरा टाइम दे देते हैं, पूरा दिन दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है बस आपको इसको समझिएगा क्या क्या कह रहा है ये ठीक है। जैसे ये स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस यानी कि एक अच्छा संतुलन बनाए, हैव ए जस्ट सिविल कोड, एक न्यायपूर्ण नागरिक संहिता रखें ठीक है। अब देखिए इसमें आप समझेंगे तो क्या, इसमें पूरी एडिटोरियल में बहुत सी बातें कही होंगी, बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें है एक्चुअली में लॉ कमीशन ये कहना चाह रहा है कि इंडिया को उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए, उन चीज़ों को हटा देना चाहिए जो कि आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मैच करती हैं, उन चीज़ को हटा दीजिएगा ठीक है। बाद बाकी आपका यही है कि नागरिक संहिता को बनाए रखने के लिए कही है। देखिए मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ये पल्ले पड़े पर यार कहानी एडिटोरियल में होती क्या है ठीक है। अब इसको आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि अभी फ्रेशर स्टूडेंट हैं आप तो इसको सिर्फ समझेंगे ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। स्ट्राइक ठीक है, इसको आप रीड कर लेंगे, चलते हैं आगे फिर देखते हैं। फेसिंग एन ईट, बस अभी समझ लीजिएगा डियर ब्रदर, बस अभी समझिएगा कि कैसे रीड करना है कैसे समझना है पूरे पेपर को, फिर तो हम चलेंगे इसको बहुत स्पीड से। फिर देखते हैं सेंटर डिफेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्वेश्चनरीज क्या है, से डिसेबिलिटी डाटा वांट टू चेंज फास्ट, मतलब उनका कहना यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डिसेबिलिटी का डाटा है वो तेज़ी से नहीं चेंज होगा। तो बेस्ट क्या है भाई इसका, ये जो है बेस्ट कौन सा है, NF जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5 की रिपोर्ट है कि डिसेबिलिटी जो रिपोर्ट है ना, डिसेबिलिटी रिपोर्ट ऑब्जर्व वाज ओनली 1% इन रूरल एरिया, ओनली 1% इन रूरल एरिया ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए इसको लेके कौन आता है, अब ये समझिए ये किस पे काम करती है, इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, इसका फैमिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का प्राइमरी बेस जो होता है ना वो होता है आपका आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर। अब इसे एक बात और कही गई भैया, क्या भाई आप डिसेबिलिटी की बात की गया, तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी करेंट डाटा इसके लिए हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है। अच्छा पैनल व्यू कौन करेगा, पैनल व्यू करेगी टेक्निकल एडवाइजर कमेटी करेगी, पैनल व्यू कौन करेगी टेक्निकल एडवाइजर कमेटी करेगी एंड अदर हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी ठीक है। अच्छा फिर देखेंगे, अभी देखिए ये आया नहीं है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कोई इसमें तो नहीं है। बाद बाकी स्टैटिक पोर्शन में आप इसको जरूर एक बार टाइप करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और गूगल पे जाके इसको एक बार देखेंगे क्या है क्या नहीं है इसके बारे में ठीक है। चलते हैं फिर हम आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अभी हमने पता था वही मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर इंडिया ग्रो है तो वर्ल्ड ग्रो है। तो इसमें क्या है ना, इसमें डील हो गई है भाई हमारी, इसमें हमारी एक डील हो गई है और उस डील में क्या है, उस डील में ये है भाई 80% टेक्नोलॉजी मिल रही है हमें ठीक है। कौन दे रहा है, आपकी है ये जनरल इलेक्ट्रिकल ठीक है, और किसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, हेल को ठीक है मिल रहा है। और इसमें आपका F41 और INS 56 विल बी इंश्योरली मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ये इंडिया में होगा एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, विल बी 2012 में डील हुई थी हमारी 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, अब कितनी है 80%। यार बहुत तरक्की कर ली हम 20 साल में ठीक है, 12 5 60 तो ही तो अब भी निकल गए। अब देखते हैं हमारा क्या है, G20 ट्रेड यूनियन
ठीक है, G20 ट्रेड यूनियन मीट इम्पेसिस ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी, तो इसमें आपके लिए पढ़ने के लिए क्या, देखिए ये मैं बताऊँ, मणिपुर में तो विवाह चल ही रहा है, जो आपको बस ट्राइब दो याद रखनी है, कुकी और मैथी, ठीक है, बाद बाकी इनकी हिस्ट्री बहुत है, वो पूरा रट्टा नहीं मारना है आपको, नहीं तो लेके बैठ जाओ उसे, नहीं बस इतना याद रखो कि कुकी और मैथी जो है ना, कुकी और मैथी जो है वो मणिपुर की ट्राइब्स है, ठीक है। G20 में बात करेंगे तो G20 ट्रेड यूनियन मीट इम्पेसिस ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई किस में, G20 में। अब G20 में किसकी बात करी गई है, सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है, ठीक है। अब ये L20 यानी कि लेबर, जो एड्रेसिंग द L20 यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन है भूपेंद्र, एड्रेसिंग द लेबर 20 द मीटिंग ट्रेड यूनियन ऑफ G20 कंट्री ऑन फ्राइडे, ये सब कहानी दी होती है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट आपको अब समझना क्या है इसमें, वहाँ चलते हैं हम, समझना साहब हमको ये है कि G20 कंट्री कौन से होते, ये मैंने 10 मिनट में न्यूज़पेपर ख़त्म कर दिया, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये सिखाया था कि हाउ टू रीड, ये हमारा दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में सिर्फ हम यही देखेंगे अभी कि हमको पेपर को पलटना और समझना कैसे है, ठीक है। ये मेंस वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, ना ही ये उनके लिए है जिनको अच्छा खासा द हिंदू पेपर पढ़ना आता है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको द हिंदू से डर लगता है, ठीक है। तो क्लियर है, थैंक यू सो मच, इसको रिलेवेंट करना सीखें, कैसे पढ़ना ये बताया मैंने, धीरे धीरे करके इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर ज़्यादा नहीं 7-8 दिन जब कंटिन्यू आप लगे रहेंगे तो फिर मैं एडिटोरियल, यानी कि कल या मंडे, कल तो शायद आई थिंक एडिटोरियल नहीं होगा, मंडे से हम लोग एडिटोरियल को कंपलसरी कर देंगे, उसमें हम एडिटोरियल को स्लो स्लो पढ़ेंगे तो फिर हमारा वेस बन जाएगा, जब रिदम बन जाएगा तो फिर हम इसकी स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।